हमारा आलन टाउन में जो अंसारी मोहल्ला बोल के बोलते वो कॉलोनी है, बहुत पुराना कॉलोनी है। वहाँ पे अंसारी लोग छोड़ के दूसरा मुसलमान भी रहते, दूसरा चंद हिंदू लोग भी रहते। ये बहुत पुराना मोहल्ला है, वहाँ पे बहुत गोर गरीब लोग रहते। इसको कई साल पहले कर्नाटक गवर्नमेंट में स्लम एरिया बोल के डिक्लेयर करे, लेकिन वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट काम नहीं हुआ। इसलिए वहाँ का हालत मेरे को वो आलन से रहने वालों से रहने से मेरे को वहाँ का हालत मालूम है। वहाँ का गोर गरीब जो अंसारी लोग है वो 10x12 जगह पे 8 लोग 10 लोग जिंदगी गुजार रहे। वो बहुत गरीब लोग है, वो खाली दरगाह का सेवा में लगे हुआ लोग है। उनको खेत नहीं है, बड़ा बड़ा धंधा कारोबार नहीं है, उन्हें खुद मकान नहीं बन सकते, एक प्लॉट भी नहीं ले सकते। इसलिए मैं सोचे वहाँ पे करीबन एक 400 से 500 मकान है, इसका विकास होना, ये लोगों भी दूसरे लोगों जैसा बड़ा अच्छा मकान में रहना, इनका भी जिंदगी सुधारना बोल के मैं सोच के स्लम बोर्ड का जो चेयरमैन है आरवी देवराज, एमएलए भी है, उन्होंने मेरा बहुत पुराना साथी है, पुराना दोस्त है, उनको मैं मिलके फोन पे बात करे था। आप बेंगलोर को पर्सनली आए तो मैं कुछ एक्शन ले सकता बोला था। मैं परसों जाके उनको मिलके उनको समझाया, ये स्लम बोर्ड डेवलपमेंट में आप लेना, यहाँ पे 2-story 3-story फ्लैट्स बना के उसको इंडिपेंडेंट एक हाउस रहना, और वो एरिया में पूरा डेवलपमेंट करना, वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स, वो ये जो जो जरूरी चीज है स्लम बोर्ड से वो सब आप करना बोल के मैं उनको समझाया। उन्होंने भी उसको यकीन करे, ठीक है बोल के मेरा सामने ही बुला के, यू टेल द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टू इमीडिएटली प्रिपेयर एन एस्टिमेट एंड सेंड इट टू माई ऑफिस बोल के मेरे सामने चुनो भी बोले। और बाद में मैं हमारा स्लम बोर्ड कॉरपोरेशन कर्नाटक गवर्नमेंट का जो कमिश्नर रहते भीमप्पा सर बोल के उनका नाम है, भीमप्पा साहब को मिलके उनको समझा के बोले, मैं देखो चेयरमैन साहब को हम समझाया, आप ही उसको फॉलोअप करना कब पड़ता, इसका कमिश्नर है, आपका जिम्मेदारी है बोले। तो उन्होंने बोले थोड़ा कभी इसको कितना पैसे लगते बोल के पूछे था, मैं बोले उनको 80 करोड़ से 100 करोड़ हुआ तो बहुत अच्छा विकास होते, अच्छा डेवलपमेंट होते बोले। उन्होंने उतना पैसे नहीं मिले तो क्या करना बोले, तो मैं उसको एक रास्ता बताया। हर साल कर्नाटक गवर्नमेंट में HKRDB को 1500,000 पैसे देते, उसमें कई पैसे यूटिलाइज नहीं होते, वापस देते। चंद पैसे आप HKRDB सेक्रेटरी को लेटर लिखे, चंद पैसे वहां से भी ले सकते बोलने में। उन्होंने बोले ठीक है, इसका बारे में पहला एक एस्टिमेशन करना पड़ता, सर्वे करना पड़ता, मेरे को हम लोगों को आज तक मालूम नहीं है अंसारी मोहल्ला स्लम में है बोल के आप बोलने के बाद मालूम हुआ। डेफिनेटली आई विल टेक एक्शन, आई इमीडिएटली कॉल माई ऑफिशियल्स एट गुलबर्गा टू विजिट दैट लोकेलिटी, मेक ए सर्वे, मेक एन एस्टिमेट एंड सबमिट बोल के उन्हें बोले। ये हुआ तो क्या होते, ये पूरा एक 400-500 लोगों का एक जिंदगी बनाते, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत बुरी मैं मेरा मुंह से नहीं बोलना, उतना तकलीफ में उतना इसमें वो लोग जिंदगी जी रहे, उनका जीवन में सुधारना आना, उनको भी अच्छे दिन आना बोले तो उनका भी सुधारना आना, खाली बातों से नहीं होते। इसलिए इसका पीछे मैं लगा के स्लम बोर्ड से जितना डेवलपमेंट वर्क वहाँ होते, खाली डेवलपमेंट पहले तो रोड बनाना और पीने का पानी का बनाए तो नहीं है, तो खाली कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा होते बोगस बिन बना के, ये लोगों को नया इंडिपेंडेंट हाउसेस बनाना, फ्लैट हुआ तो फ्लैट, नहीं तो इंडिपेंडेंट हाउसेस बनाने का मेरा फर्ज है, मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए ये सब लोगों का मेरा को साथ होना, आई विल नेक्स्ट वीक फिर मैं जाके इसको फॉलोअप करके वहाँ पे स्लम बोर्ड का जितना जल्दी होते उतना जल्दी काम शुरू करने का मेरा इरादा है।